पहले पहले डर लगता था, जब भी संपर्क करने की कोशिश करी। डर के विषय नहीं है और रोका भी नहीं जा सकता, आंतरिक क्रिया हो रही है, डरने की क्या बात है, वो फिर आ जाएगा, मतलब अपने आप समय आता है आने की कोई। हाँ वो समय आता है, लेकिन ये खोखला है कि मैं कभी एहसास होता है कि मैं क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ, सिर्फ एक ढांचा हूँ, ऐसा लगता है। हाँ मैं समझ गया, ये स्थूल शरीर तो एक खोखला, एक आवरण तो है ही, और आवरण के सिवाय है क्या। तो आपने जो पूछा है, हाँ सही है कि दो तरह से निकलते हैं। एक और अनुभव है गुरुजी, मैं आकाश में खड़ी हूँ, पता नहीं क्या हूँ, लेकिन ये धरती चक्की जैसी है और चक्की की लकड़ी को मैं घुमा रही हूँ। ये दो तीन बार आया है, मैं अपने आप को, मैं ये करेक्ट आ रहा है गलत आ रहा है, मैं आपके साथ ये मैं ध्यान में हूँ या कहाँ हूँ समझ नहीं आ रहा। मैं और ये धरती को घुमाना, ये दो तीन बार आया है, इसका मतलब क्या है? जो आप इस तरह का देख रही कि मैं चक्की की तरह घुमा रही हूँ, अगर गौर करो तो क्लॉक वाइज घुमा रही होंगी आप। ये आपका ही जीवन है, आप शरीर से सूक्ष्म शरीर ये क्रिया कर रहा है, अर्थात सूक्ष्म शरीर आपने देख लिया है योग के माध्यम से कि ये चक्की की तरह ही घूम रहा है जीवन। जैसे हमारे तारे नक्षत्र सौर मंडल में जो है नक्षत्र क्लॉकवाइज घूमते हैं, हाँ घूम रहे, तो वो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, आपका जीवन गति कर रहा है, गति तो इस तरह का दिखाई देता है। पंच भौतिक जो शरीर जिंदा है, व्यवहार कर रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है सृष्टि उन्मुख, सृष्टि की तरफ बहाव, तो आप ये क्रिया कर रही, तो वो दिखाई देता कि मैं ऐसे कर रही पूरी पृथ्वी को। विभिन्न तरह के अनुभव आते हैं साधकों को, कभी कभी ऐसा भी आता है कि मैं साधक देखता है कि शरीर से निकला, अंतरिक्ष में खड़ा हो गया, नीचे देखता है कि ये पृथ्वी गेंद की तरह या फुटबॉल की तरह नीचे घूम रही है, या कभी कभी वो खड़ा भी हो जाता है। अगर वो खड़ा हो जाए या ऐसे जैसे तुमने कहा, इसका मतलब है जो स्थूल पंचभूत हैं इनका आपने साक्षात्कार कर लिया है, अब आगे सूक्ष्म पंचभूतों के अंतर्गत अर्थात सूक्ष्म शरीर में आपकी चालना चल रही है, उसका सूक्ष्म अर्थ होता है। स्थूल पंचभूतों से हमारा ये स्थूल शरीर बना है, इन स्थूल पंचभूतों का साक्षात्कार, तो मतलब कहने का इसके बाद फिर अंतर्मुखी होकर के आगे बढ़ता है, तो सूक्ष्म पंचभूतों के अंतर्गत साधना चलती है, तो वहाँ का दृश्य, उस समय का दृश्य है, यानी अच्छा अनुभव है वो आप घुमा रही हैं, यानी अपना जीवन खुद ही आप गति दे रही है अपने जीवन को। दूसरा अनुभव, तीसरा अनुभव गुरु जी, मेरे पिताजी का दर्शन हुआ, पता नहीं कौन से लोक में है, काला काला सा था, बदन पूरा गंदा था, और एक मंदिर के पास जा रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, और मैं बुला रही हूँ पिताजी पिताजी, वो मेरे को पहचान नहीं रहे हैं, मेरी माँ को बुला रही हूँ, माँ आओ पिताजी गंदे हैं साफ करो, माँ बोली तुम पिताजी भर के 20 साल हो गया मैं नहीं आती, तुम मुझे बहका रही हो, तो बोली नहीं, तो इतने में मैं तैयार हो गई, उनको चलो मेरे पिताजी है मैं ही साफ करने जाती हूँ। तो पिताजी गई, पिताजी एक मंदिर में गए, मंदिर में 3 औरतें थी जो यहाँ की नहीं थी, विदेशी थी, लेकिन बिंदी बिंदी भारतीय स्त्री जैसी थी, उनसे पूछ रही हूँ कि मेरे पिताजी कहाँ पे है, वो बोली मुझे भाई नहीं मालूम, पिताजी को देखी हो फिर कहीं गए, फिर वहाँ गायब हो गए, इसका मतलब क्या है? देखो साधक को विभिन्न प्रकार के अनुभव आते हैं, सभी प्रकार के अनुभव का अर्थ बताना ज़रा मुश्किल है, लेकिन आपने अपने पिताजी के विषय में कहा तो उनकी उपस्थिति कहीं ना कहीं होगी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं मंदिर है तो उस जगह का दृश्य आपको अनुभव में कभी कभी विचार भी मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो भी दिखाई देने लगते हैं। हाँ तो इसका मतलब है कहीं वो ऐसी जगह पर हैं
जहाँ तमोगुण का प्रभाव कुछ ज़्यादा होगा, हल्का सा कष्ट हो रहा होगा। देखो जो अगर मैं कहूँ होता है भले ही समझ में ना आए, हल्का सा कष्ट हो रहा होगा। और उसमें क्या दिखाते, मैले कपड़े से पहने होते, गंदे से, जैसे नहाया नहीं। तो कभी कभी अब तुरंत निर्णय मैं नहीं कर सकता हूँ 100% सही, वो तो ध्यान में जाके होगा। कभी कभी नीचे के लोगों के अनुभव आते हैं, नीचे के लोग, यानी जो मैंने कभी किताबों में या वीडियो में बोला है। तो जब नीचे के लोगों में जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के लोग हैं कई, तो उनमें ऐसी चीज़ें दिखती कि कोई मैला कुछ है, मैले कपड़े गंदे कहीं पर बैठा हुआ कुछ कर रहा है, ये वाला नीचे के, अर्थात सूक्ष्म शरीर का पतन होना। ये जीवात्माएं हैं, कर्मानुसार भिन्न भिन्न जगहों में भ्रमण करती रहती है, मजबूरी है, प्रकृति का नियम है। तो वो अपना कर्म भोग रहे होंगे कहीं पर, तो ऐसा आपको दिख रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।